अरे दिग्विजय के बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगे हैं। और वहीं आईएसआई से पैसे लेता है बजरंग दल। दिग्विजय ने कहा, आशीर्वाद झुक कर लिया जाता है, शिवराज तो 20 फुट ऊंचे मंच पर बैठते हैं। अवैध रेत खुदाई में शामिल है शिवराज सिंह चौहान। सतना में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बजरंग दल आईएसआई से पैसे लेकर काम करता है। दिग्विजय ने आईएसआई के लिए जासूसी करने वालों को सतना में जमानत मिलने पर भी सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि आशीर्वाद तो झुक कर लिया जाता है, लेकिन शिवराज तो 20 फुट ऊंचे मंच से बैठकर आशीर्वाद ले रहे हैं। मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर दिग्विजय ने अवैध रेत खुदाई में भी शामिल होने का आरोप लगाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाए हैं आईएसआई से पैसे लेता है बजरंग दल, आशीर्वाद झुक कर लिया जाता है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान 20 फुट ऊंचे मंच से आशीर्वाद लेते हैं। अवैध रेत खुदाई में शामिल है शिवराज सिंह चौहान। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आईएसआई के लिए पैसा लेकर जासूसी करते थे, वो बलराम सिंह बजरंग दल के कार्यकर्ता, ध्रुव सक्सेना बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारी, जितेंद्र ठाकुर, वंदना ठाकुर बीजेपी के पार्षद उनका भाई, और त्रिलोक सिंह, मनीष गांधी, मोहित टेंडरिंग में शिवराज सिंह चौहान और उनके मित्र लोग शामिल हैं। आरोप नंबर 5, तेंदूपत्ता मजदूरों की गाड़ी कमाई का पैसा, बोनस जिसको उसे नगद मिलना चाहिए उसको न मिलकर उसके लिए ऐसे जूते खरीदे जा रहे हैं जिससे चर्मरोग होता है, ये प्रमाणित है, जिसकी कीमत बाजार में 60 रुपए है और पेमेंट हुआ 193 रुपए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित मिश्रा जुड़ गए हैं। अमित, दिग्विजय ने बजरंग दल पर आईएसआई से पैसे लेने का गंभीर आरोप लगाया, इस पर क्या कहेंगे? जी बताऊंगा कि कुछ वर्षों पहले सतना से आईएसआई के से जुड़े एक एजेंट बलराम सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, उसी पर पंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ऐसे कार्यकर्ता आरएसएस और बजरंग दल के ही हो सकते हैं। जिस दल में ऐसे कार्यकर्ता है उस दल के अधिकांश कार्यकर्ता आईएसआई और पाकिस्तान एजेंसियों से जुड़े हुए, उनसे पैसे लेते हैं और अपने फंडिंग का काम करते हैं। जी, ये सारे आरोप चुनाव के पहले ही क्यों सामने आ रहे हैं, अभी क्यों लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जब मीडिया ने कई बार इनसे बात करने की कोशिश की, हर बात को टालते हुए केवल विपक्ष की बात रखी, केवल अपनी बात रखी और केवल सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार, मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार अवैध रेत कारोबार में संलिप्त है और जितने भी घोटाले हो रहे हैं उन सब घोटालों में कहीं ना कहीं से सीएम और उनका परिवार शामिल है। वही मोदी सरकार पर भी तंज कसा उन्होंने कि मोदी सरकार मन की बात तो करते हैं लेकिन आज तक कभी भी प्रेस के सामने बैठ के उन्होंने जनता की समस्याओं को नहीं सुना और उनकी समस्याओं को निदान करने का काम नहीं किया। वही राफेल डील जो हुआ है उस पर भी उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि राफेल डील जो तो पहले जो बात हुई थी सरकार की, 670 करोड़ में खरीदे जाने थे लेकिन वही 670 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ में खरीदा जा रहा है, 1000 करोड़ रुपए सरकार घोटाला कर रही है। जी अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है बीजेपी का, ऐसा क्यों? और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिल जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। जी धन्यवाद। जी, दिग्विजय सिंह लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं बजरंग दल पर, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं देखिए, दिग्विजय सिंह जी जब आरोप लगा रहे हैं तो उनके साथ आपने ही जोड़ा कि गंभीर आरोप लगा रहे हैं,
जी दिग्विजय सिंह जी का आज का जो व्यक्तित्व है वो पूरा अगंभीर बन चुका है जी। तो उनके द्वारा लगाए गए आरोप भी गंभीर हो नहीं सकते जी। तो मुझे ये लग रहा है कि वो ट्विटर पे कुछ भी लिख देना और कोई कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के मित्रों से वो कई दफे वो अनौपचारिक बातचीत करते हैं उसको भी वो औपचारिक आरोप की तरह चस्पा कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उसमें कोई नयापन नहीं है, वो घिसे पिटे वही आरोप जो वर्षों से वो बोलते आ रहे हैं वही बातें उन्होंने कही है, उसमें कुछ भी नयापन नहीं है। और इसलिए पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त करने का उनको उनके बयान को उनके आरोप को नोटिस में लेने का कोई सवाल नहीं जी। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि बजरंग दल आईएसआई से पैसे लेता है, क्या ये क्या है ये पूरा मामला? आईएसआई से पैसे लेता वो तो वर्षों मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के और कांग्रेस के, अगर वो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जिम्मेदार सदस्य हैं और अगर नहीं भी है तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर वो कुछ सबूत दे आईएसआई से पैसे लेता है, ये तो बड़ा आरोप है ना। तो इसके पीछे अगर कोई भी सबूत होगा तो बजरंग दल को बैन किया जाना चाहिए उनके हिसाब से, लेकिन वो भी जब शासन में थे तो उन्होंने भी बैन नहीं किया। इन्हीं पर तो बैन लगाया था कि बजरंग दल पर बात कही थी बैन लगाने की जी। और तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के आरोप लगा के और ये बहुत ही इसको मतलब सतही किस्म के आरोप हैं जी और मजाक के पात्र बनेंगे जी। अगर वो आरोप लगा रहे थे इसके पीछे कोई ना कोई प्रमाण देना चाहिए, सबूत देना चाहिए और न्यायालय में जाइए, जांच एजेंसियों को शिकायत करिए। ये अखबार में बोलने से और सार्वजनिक किसी सभा में या कहीं सड़क पे बोलने से तो बात बनती नहीं। अगर ये आरोप है तो बहुत ही संजीदगी के साथ जो जांच एजेंसियां हैं पुलिस के व्यवस्था है उसमें जाके शिकायत करें और उसके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए आंदोलन करें। अगर नहीं करेंगे तो ये लगेगा कि आप जनता को बरगला रहे हैं और किसी एक संगठन को आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, उसके ऊपर लांछन लगाना चाहते हैं जी। आखिर चुनाव के पहले ही बीजेपी पर इतने खतरे के साए क्यों मंडरा रहे हैं? नहीं देखिए खतरे के साए नहीं है ना, आपको आपको कहीं से भी खतरा लग रहा है क्या? हमको तो नहीं लग रहा खतरा। और खतरा तो ये लग रहा है कि वो कांग्रेस के लोग मुख्यमंत्री पर उनकी यात्रा पर पथराव कर रहे हैं जी। और समाज में चाहे वो पिछड़ों के नाम पर हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के जनजाति के नाम पर हो या सवर्णों के नाम पर हो, विद्वेष पैदा करना चाहते हैं जी, और ये विद्वेष पैदा करके समाज को खंडित करके विभाजित करके अपना वोट बैंक उसमें से पक्का करना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस की नीति जो अंग्रेज छोड़ के गए, समाज को तोड़ो और शासन करो, हम तो इसमें विश्वास ही नहीं करते। हम तो ये कहते हैं समाज को जोड़ो और तब जाके शासन में भाग लो, शासन का जो सेवा का काम है वो करो।